हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कल के लिए दो बेहतरीन स्टॉक लेकर आएँ जो आपको इंटरडे मार्केट में ज़्यादा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। दोनों स्टॉक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के रूप में आप लोगों को अपडेट किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बाज़ार को देख लेते हैं। तो बाज़ार को देखिए, तो अगर हम देखें तो आज बहुत अच्छा मूव यहाँ पर किया है। ठीक है, बाज़ार का हाई देखिए, मतलब हाई के आसपास ही बाज़ार क्लोज हुआ है। ओपन कहाँ पर हुआ था और उसका लो क्या था, ठीक है, मतलब अगर आज मोमेंटम को हम देखें तो बहुत ही शानदार हमें देखने को मिला है। आप बैंक निफ्टी देखो, मिड कैप देखो, स्मॉल कैप देखो या सेंसेक्स देखो, सभी तरफ चौतरफा तेजी देखने को मिली है। अगर ऐसी तेजी हमें कंटिन्यू देखने को मिलती है तो आगे भी अच्छा खासा मूव हमारे पोर्टफोलियो में भी देखने को मिल सकता है। खैर, आगे जैसा भी अपडेट आएगा हम जरूर आप लोगों को कवर करेंगे ही। तो अभी आप फटाफट से हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं और हमारे फर्स्ट स्टॉक पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर मैं बात करता हूँ, काफ़ी बढ़िया ये स्टॉक देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छी तेज़ी भी थी स्टॉक में, ठीक है, हाई भी बहुत अच्छा बनाया था। देन उसके बाद उसने काफ़ी ज़्यादा हमें कंसोलिडेट करते देखने को मिला, ठीक है। देन उसके बाद एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। डाउनफॉल में एक अच्छा खासा दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट बना, आप देख सकते हैं। अब ये सपोर्ट पर क्या हुआ दोस्तों, आज एक अच्छी खासी बाइंग आ गई, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा बायर का सपोर्ट मिला। बायर के सपोर्ट के साथ साथ आप देख सकते हैं वॉल्यूम, देखिए कितना जोरदार दिख रहा है, दिख रहा है वॉल्यूम, ठीक है, ग्रीन में भी देखिए और रेड में भी देखिए, बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सस्टेन किया, ठीक है, देन उसके बाद एक अच्छा खासा पुल बैक, ठीक है, थोड़ा सा डाउनफेल, फिर यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा समय बिताया, ठीक है, वॉल्यूम को अपने तरफ बुलाया। देन यहाँ पर आप ये वॉल्यूम देखिए, ऊपर भी ले गया, नीचे भी लाया, थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद फिर एक अपसाइड का मोमेंट हमें देखने को स्टॉक में ज़रूर मिलेगा। तो इसी रेंज में हम स्टॉक को बाय करके चलने वाले हैं। तो अगर ये स्टॉक हमें कल की डेट में 700 पर ही मिलता है तो हम बाय करेंगे। पहला टारगेट लगाएंगे 705 रुपये का, दूसरा टारगेट लगाएंगे दोस्तों हम लगभग 710 रुपये का, ठीक है, और लगभग 695 रुपये का ऐसे लेकर चलेंगे जो हमें सेफ भी रखेगा। जब हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा तो हम सेकंड टारगेट का वेट करेंगे, लेकिन SL को हम कॉस्ट पर जरूर मेंटेन करेंगे, ठीक है। इस हिसाब से हम दोस्तों सेकंड टारगेट का वेट करेंगे। तो ये है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर हमारा अपडेट, ठीक है। और एक और पॉइंट बताना चाहूँगा दोस्तों, वो पॉइंट है दोस्तों हमारा प्रॉफिट गुरु FNO Call का टेलीग्राम चैनल, ठीक है। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री में बताई जाती है, अगर आप लाखों रुपये भी खर्च कर दो ना तो भी आपको ये चीज़ें नहीं बताई जाएगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट बताया, उस चार्ट के लेवल बताए कि 51,500 का लेवल देखो, 51,200 का लेवल है, ये 300 पॉइंट की रेंज हमारे लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। निफ्टी के बारे में बताया कि निफ्टी का 25,050 और 25,000 का लेवल, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर जैसे ही दिखा कि हाँ, अब बैंक निफ्टी के अंदर एक बढ़िया तरीके से दोस्तों ब्रेकआउट आ रहा है, तो क्या किया दोस्तों, कॉल साइड में काम किया, प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर SL अपडेट किया, ठीक है। और यहाँ पर धमाकेदार जो हमारा 50 पॉइंट का टारगेट था ना, वो यूँ अपडेट हुआ, यूँ देखिए कहाँ से बाय करने का बोला 320 रुपये पे, और 500 रुपये का हाई लगाया 500 रुपये का, और टारगेट डन किया, ठीक है। उसके बाद चार्ट भी अपडेट किया कि जो हमारा 51,500 का लेवल है ना, वहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट आया, छोटा मोटा नहीं, 225 पॉइंट का ब्रेकआउट आया दोस्तों, 225 पॉइंट का, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों डेली बेसिस पे आपको सारी चीज़ें अपडेट की जाती है, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है, मार्केट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चलते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स पता चलते हैं कि रिजेक्शन लेवल क्या है, सपोर्ट लेवल क्या है, कहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा, कहाँ से ब्रेकडाउन मिलेगा, मार्केट का डायरेक्शन क्या रहेगा, बाय साइड रहेगा या सेल साइड रहेगा, ठीक है। और अगर बाय साइड मार्केट जा रहा है तो क्या, कौन से कॉल में हम काम करें या कौन से पुट में काम करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री में बताई जाती है, जिससे आपका नॉलेज और अच्छी तरीके से बढ़ता है, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत अगर आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वहाँ पर आपको कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, फटाफट से चैनल को तो सब्सक्राइब करो ही करो, वीडियो को लाइक करो करो, लेकिन दोस्तों हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो, क्योंकि कल भी एक इसी प्रकार से अपडेट आप लोगों के लिए आने वाला है जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट तो देगा ही, साथ में नॉलेज भी देगा। तो टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन करो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं और हमारे सेकंड स्टॉक पे फोकस कर लेते हैं। दोस्तों सेकंड स्टॉक है आप लोगों के लिए इंडस टावर, ठीक है।
इंडस टावर की अगर मैं बात करता हूँ, स्टॉक में बहुत अच्छा अपसाइड का मूव था दोस्तों, बहुत अच्छा अपसाइड का मूव था, ठीक है। करेक्ट हुआ, करेक्ट होने के बाद नीचे आया, सबसे पहले यहाँ पर करेक्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, फिर देन उसके बाद हाई, फिर गिरावट रही, फिर यहाँ पर सपोर्ट हमें देखने को मिला, और सपोर्ट के साथ साथ आप देखिए कितनी ज़ोरदार हमें एक रिकवरी देखने को मिल रही है। मतलब ये जितने भी इम्पोर्टेंट लेवल्स थे, ठीक है, ये बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों क्या हुए, ब्रेक हुए, ठीक है, जिससे यहाँ पर एक अच्छी तरीके से हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक अच्छी खासी जो बाइंग आई ना, वो स्टॉक को कितनी शानदार तरीके से ऊपर ले जा रही। अब यहाँ पर प्रीवियस का सपोर्ट था, प्रीवियस में यहाँ पर समय बिताया, तो उसी लेवल को एक अच्छी तरीके से ब्रेकआउट देखे, उसके ऊपर टिकना मतलब बहुत बढ़िया बात है। साथ में अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी हमें देखिए कितना ज़ोरदार देखने को मिल रहा है आज के पूरे दिन, प्रीवियस से अगर आप कंपेयर करोगे तो। मतलब कहीं ना कहीं बायर और सेलर का जो इम्पैक्ट है दोस्तों, वो स्टॉक में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसी कारण से स्टॉक को बाय करके चलेंगे, क्योंकि एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के ऊपर उसने क्या किया है दोस्तों, ट्रेड किया है। अगर कल की डेट में ये स्टॉक हमें 385 पर मिलता है तो बढ़िया बाय करेंगे। पहला टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो 389 का रखेंगे, ठीक है, जो कि होगा 4 पॉइंट का। फिर दोस्तों दूसरा टारगेट जो रहेगा वो लगभग 393 का रहेगा, जो कि होगा दोस्तों 4 पॉइंट का, ठीक है। और SL की अगर मैं बात करता हूँ तो 381 रुपये का SL लेकर चलेंगे, जो हमें सेफ भी रखेगा। जब हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा तो हम सेकेंड टारगेट का वेट करेंगे, लेकिन SL को हम फिर कॉस्ट पर मेंटेन जरूर करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इंडस टावर के ऊपर फोकस रखने वाले हैं। तो दोस्तों ये है हमारे दो बेहतरीन स्टॉक, दोनों पे हमने हमारा टेक्निकल एनालिसिस अपडेट किया, आप भी अपना टेक्निकल एनालिसिस जरूर लगाइए, देन उसके बाद आगे जैसा भी अपडेट आता है जरूर हम आपको कवर करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू दोस्तों।